इधर ग्वालियर में ट्रामा सेंटर के आईसीयू अग्निकांड मामले को मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया है। तीन मरीजों की मौत होने पर ग्वालियर संभाग आयुक्त और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के जरिए जांच और कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। वहीं बुधवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी भविष्य में ऐसी घटना न हो इसको लेकर कलेक्टर को निर्देश दिए थे। बता दें कि मंगलवार सुबह जयारोग्य अस्पताल समूह के ट्रामा सेंटर आईसीयू में आग लग गई थी। इस दौरान आनंद फानंद में आईसीयू से मरीजों को बाहर शिफ्ट किया गया था। मरीजों के अटेंडरों ने आरोप लगाया है कि शिफ्टिंग के दौरान ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उनके मरीज की मौत हो गई। हालांकि जयारोग अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुधीर सक्सेना का कहना है कि मरीजों की मौत नेचुरल हुई, फिर भी आरोप को लेकर एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। हमारा यही कहना है कि वो मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पे थे, क्लोज सर्किट वेंटिलेटर है, इसमें किसी भी प्रकार से जैसा कि कहा जा रहा है कि धुआं घुस गया, ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये तो जो ट्रॉमा सेंटर आईसीयू में जो मरीज थे, उक्त मरीज दो दिन तीन दिन पहले शिवपुरी मेडिकल कॉलेज से बहुत सीरियस हालात में आया था और उसकी यहाँ सर्जरी भी करी गई, पर वो ऑलरेडी M1 और M2 स्थिति में थे, जिसमें कि करीब करीब ये मान के चलते हैं कि ब्रेन की फंक्शनिंग ना के बराबर चल रही है।